for all the infotainment across digital content. Subscribe to Digital Commentary. हे गाइस, जैसे कि आप सबको पता है हम अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, सो वी आर डीसी थॉट कि क्यों ना इस खाली टाइम को यूज़ किया जाए और एक अलग टाइप का थॉटकास्ट का एपिसोड बनाया जाए. एंड सो नाइस ऑफ अभिनव टू फाइनली जॉइन अस फॉर अ थॉटकास्ट एपिसोड. एंड देख लो यार, अब यही बनाया है जो बनाया है, भूल चूक माफ, जो था बन गया. क्या हाल है सबके भाई, क्या कर रहे हो सब? Hey everyone. Hey. Hello. Hi, hi. Joining us today is Abhinav. मैं तो एकदम देख रहे हो एक लॉकडाउन में कहां ब्रिज के सामने खड़ा हूं. हां लॉकडाउन में अभिनव मेलबर्न गोल्डन गेट ब्रिज के सामने खड़े हैं. पता नहीं कौन से देश का ब्रिज है लेकिन उसके सामने मैं चिल कर रहा हूं. नाइस मैन. ये लॉकडाउन क्वारंटाइन का हमारे मेंटल लवाजकल वाला ब्रिज है. अच्छा लवाजकल वाला है. ओ नहीं 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 अभी इसने नाम बोला ना, क्या नाम बोला? वो गोल्डन गेट ब्रिज. हां गोल्डन गेट ब्रिज फॉरेन का हब, फॉरेन का हावड़ा ब्रिज है. चलो ऐसे निकालते हैं. चलो मच बेटर. हां पहले भाई शुक्रिया आप जॉइन किया हमको. आज हम घर बैठे बोर हो रहे थे, हमने सोचा एक वीडियो बना लेते. मैं बहुत फन कर रहा था. हां यूट्यूब इंस्टाग्राम पे मालूम पड़ रहा था बनाता है इंस्टाग्राम पे. जैसे सब स्टार्ट करते हैं तो अभिनव कैसे ये करियर चुना आपने कि आप इंस्टाग्राम पे वाइंस बनाएंगे? यार ये करियर मेरे को मोदी जी ने चुनने पे मजबूर कर दिया. जैसे वो लॉकडाउन दिए ना तो ऐसा हुआ कि सारे करियर ऑप्शंस तो खत्म हो गए, इकलौता यही बचा है, एक ये और एक खाना बनाना. खाना बनाने गए थे पहला वीडियो उसी के ऊपर, क्या हालत हुई देख लो जाके. किचन वाला वीडियो देखा यही है बस. चलो हमारे पास टाइम कम है, मुद्दे पे आते हैं. अपन क्या डिस्कस करने चले जी? हाँ तो आज का डिस्कशन का मुद्दा ये रहेगा कि भाई 21 दिन अब तो ज्यादा ही बढ़ जाएगा, 21 दिन से बढ़ेगा ही शायद ये. तो सब घर में बैठे रहे तो क्या हाल है, कैसे सब बचे हुए हैं, क्या देख रहे हैं सब, कुछ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं सब? आई एम फ्रेंकली फॉर मी तो इट हैज बिकम लाइक, अब पहले कैसे हम लोग शौक से देखते थे कोई शोज वोज बिकॉज you know maza aata tha ki after work and all you're seeing taking some time out and fucking watching something. ab sala majboori ban gaya hai ki dekhna hi pad raha hai aur koi option hi nahi hai. so I have stopped enjoying actually all this shows now for some time. like I really enjoyed the TVF new show by the way. acha tha. but I'm talking about generally sitting and watching anything. it's become very pati ho chuka hai. yaar matlab wahi hai. मतलब बहुत सारी चीजों करने का ऐसा टाइम जो खाली टाइम आया है इतने बाद अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड. मतलब लोग आईपीएल का प्लानिंग करके बैठे हुए थे, अभी अलग ही मैच चालू है यहाँ पे सब. तो ये अनप्लान्ड तो है. तो मतलब मैं पर्सनली अपने बारे में तो बताऊँ, मेरे को बहुत पसंद आती है अनप्लान्ड चीजें. मेरे को बहुत ज्यादा इम्प्रॉम्प्टू वाला इंसान हूँ मैं. तो मैं तो फन कर रहा हूँ घर में बैठे, घर वालों के साथ टाइम एंजॉय कर रहा हूँ काफी ज्यादा. बहुत दिनों बाद ऐसा टाइम आया है और लाइक यू नो कितने दिन बाद मैं इतने टाइम के लिए घर पे हूँ. और हमारे घर का ऐसा बना भी है रूटीन कि अपने को 9 से 10 बैठ के घर में रामायण देख के देखना है. तो वो भी बहुत सही कंटेंट कंज्यूम हो रहा है. जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स पहले जैसे. एग्जैक्टली हाँ बहुत सही फील. ये एक बात आपको क्लियर कर दें, हम ये रात को 11 बजे शूट कर रहे हैं क्योंकि अभिनव को रामायण और महाभारत देखना है. हाँ महाभारत तो 12 बजे दिन में आता है और 7 बजे शाम में. इंडिया का हाईएस्ट टीआरपी ले चुका है ऑलरेडी, वो आ चुका है मार्केट में. नए प्लेयर्स आ गए हैं दूरदर्शन. दूरदर्शन अभी आ रहा है अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके. डीडीटी तो वही चल रहा है, बाकी कंटेंट तो चल ही रहे हैं. क्या देखा दूरदर्शन हैज कम बैक आफ्टर एक्साइल. नया प्लेयर नहीं है, पुराना है अब. दूरदर्शन पहला प्लेयर है, ओजी है भाई. ओजी द रियल काफी टाइम से रिटायरमेंट में चला गया था, अब वापस आ गया. शाहिद अफरीदी है वो.
मतलब अभी उस इंसान का सैलरी 10 गुना कर दिया गया होगा जिसने बोला होगा कि भाई रामायण वापस चला देते हैं मतलब मोदी जी ना मिला होगा मतलब जावेदकर प्रकाश प्रकाश जावेदकर मतलब बीजेपी आईटी सेल बीजेपी आईटी सेल अरुण गोविल अरुण बोला होगा यार बहुत टाइम से खुद को टीवी पे नहीं देखा एक एपिसोड मेरे गांव में तो जब रामायण लग रहा है I mean, if people are sitting and watching, जो औरतें पूरा घूंघट उंगट निकाल के बैठ रही है because श्रीराम आ रहे हैं भाई। अरे ऐसा वैसा सीन। अरे एक वीडियो देखा उसमें एक बूढ़ी औरत प्रणाम कर रही है भाई पैर छू के टीवी का। अरे तो मेरे मॉम डैड जो है वो तो बताते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब पहला टेलीकास्ट हुआ था उसका शायद 84 या 87 ऐसे में कभी हुआ था तो जब मॉम डैड हमारे देखा करते थे तो वो प्रॉपर वैसा था कि गाँव में जब एक टीवी होती थी और सब लोग आए हुए हैं तो पूरा सब चप्पल बाहर उतार के और ऐसा हाथ पैर धो के हाथ जोड़ के ऐसे बैठ के देखते तो ये भी था ये बहुत सीरियसली और रिलीजियसली फॉलो करते थे मैंने देखा यार ये चीज अपने घर में देखा ये चीज दादी मेरी पूरा प्रणाम प्रणाम करती थी गोड़ लगे छे भगवान ऐसे पूरा भी आ रही है अब हमारे जिसमें जो सोच लो सेक्रेट गेम से गायदोंडे भाव की एंट्री हो रही है लॉर्ड ने सब भगवान बट रामायण की एक अच्छी बात है वो फुल कम्युनिटी व्यूइंग है इट्स नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर रिलीजन एज सच एग्जैक्टली देख रहा है तो ये अभी अभी रामायण स्टार्ट होने से पहले कुछ दिन पहले ये तीन जो स्टार लीड कैरेक्टर्स हैं राम लक्ष्मण सीता ये आए हुए थे कॉमेडी नाइट विद कपिल में तो उसमें ये यही वाली लाइन लक्ष्मण जी ने बताई थी कि रामायण एक पर्टिकुलर हिंदू या भी पर्टिकुलर एक किसी धर्म का वेबसू नहीं बनाया इसमें क्योंकि ऐसी ऐसी बातों पर डिस्कशन होता है क्योंकि रिलेशंस के ऊपर डिस्कशन है इसमें सिर्फ इसमें कौन किससे रिलेट कर रहा है कैसे और ये तीन चीजें बताई थी कि जैसे रामायण है आपको सिखाता है क्या करना चाहिए महाभारत आपको सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए और गीता आपको सिखाता है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये तीन चीजें तो ये बहुत अच्छी बात मैंने काफी रिलीजियस थॉट कास्ट है मंगल भवन से स्टार्ट करो इसको बाय द वे हम लोग सब लिबरल्स हैं ऐसा टेंशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम रामायण कोई कुछ देख रहा है कुछ सीख रहा है कोई कुछ नया कुछ सीखा किसी ने मैं हैंड स्टैंड कर लेता हूं ठीक है अरे क्रिएटिवली चाचा हर चीज में कहां मैं पियानो बजा रहा हूं भाई फोन में हेलो देखिए मैंने मनी हाइस्ट देखा भी रिसेंट तो ऐसे इस टाइप के और भी कंटेंट जो कि मैंने बहुत दिनों से बहुत सारी फिल्में नहीं देखी हुई थी या फिर मैंने बहुत सारी फिल्में जो देख ली थी और मैं भूल चुका था उसके कुछ कुछ पार्ट्स वो मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ तो वही है कंटेंट में ही सीखते जा रहे हैं ऐसा कुछ अलग ट्राई तो नहीं किया सीखने का आई एम एक्चुअली वाचिंग अ लॉट ऑफ मलयाली फिल्म्स अम्बली कैसे इस लॉकडाउन इस क्वारंटाइन में मतलब जो प्रिविलेज्ड क्लास है जो घर पे बैठ के खा पी रहे हैं इंस्टाग्राम चला रहे हैं इंटरनेट चला रहे हैं उनके लिए कैसे कंटेंट ही रेस्क्यू मतलब एक तरह से है मतलब किसी भी तरह कंटेंट एस्केप हो गया और फॉर इट्स मोस्टली इट्स बिकम लाइक कि अभी घर पे चार लोग का सेम चेहरा देख देख के गुस्सा आ रहा है
तू इससे अच्छा सेम किसी और का चेहरा देखो तो फोन ऑन करके इसका क्या बेटर मतलब कहीं मैंने ये लाइन पढ़ा था कि स्क्रोलिंग इज द न्यू सिगरेट तो वही है एंडलेस स्क्रोलिंग हाँ हाँ कैसे इस क्वारंटाइन के टाइम में जो कंटेंट क्रिएटिंग कंपनीज हैं वो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं मतलब जो वीडियोस वो बना रहे हैं ये वाला कल पॉइंट डिस्कस हुआ तो अच्छा वो मेरे कल से कैसे क्रिएटिव प्रोड्यूसर और राइटर्स जो हैं वाइनर्स बन रहे हैं है ना हाँ ठीक है भाई सटल डिग्स और अच्छा वो अभी अभी रियलाइज किया मैंने यार मतलब ऐसा है कि अभी जितने चैनल्स हैं सबको भी आइडिया ही नहीं कि कब तक चलेगा कितना लंबा चलेगा और सबको अपने अपने चैनल को बचाना है ऐसा तुम लंबा 3 महीने का टाइम दे दोगे इसमें कुछ भी कंटेंट तुमने नहीं डाला है चैनल पे तो वो तो बहुत बट ऑब्वियस सी बात है कि उसका ऐसा कम हो जाएगा व्यूअरशिप और ऑडियंस डेड हो जाएगी तो अभी जनता को भी पता है कि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं तो अभी जनता भी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ ठीक है अगर मेरे को उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दिख रही है या फिर शूट करने में कुछ हल्का सा इधर उधर दिख रहा है या फिर वीडियो का मेरे को 4K रेजोल्यूशन नहीं दिख रहा है 720 में ही दिख रहा है फोन से शूट किया हुआ ही दिख रहा है तो जनता वो सब एक्सेप्ट कर रही है बस जोक्स अच्छे होने चाहिए क्योंकि उसमें तुम घर बैठे भी अच्छे जोक्स ले सकते हो तो हाँ तो अभी सारे कंटेंट क्रिएटर्स मोस्टली वही ट्राई कर रहे हैं बीइंग इन टीएसपी हम लोग भी वही ट्राई कर रहे हैं अभी हम लोगों ने एक वीडियो शूट भी किया है कल परसों में तो लेट्स सी और अभी तो और 2-3 वीडियो लाइंड अप ही है तो वही ट्राई कर रहे हैं घर बैठे बैठे अपना अपना पार्ट शूट करके फोन से फिर एक एडिटर के पास भेज के उसको स्टिच करा के रिलीज कर लेना बट ये कितना ही सस्टेन करेगा ना तो अभी फ्री है लेट्स गो 2 साल तक चलता रह गया तब तो पता नहीं क्या होगा लेकिन हाँ ये एटलीस्ट 1-1.5 महीना तो काट सकते हैं इसे बट आई डोंट थिंक बीबी के करियर पे कुछ असर पड़ा रहेगा बिकॉज़ ही इज बीन डूइंग दिस सिंस लाइक फकिंग इंसेप्शन डूड ही इज बीन कब से कर रहा है वो अब बीबी बोलेगा यार ये मेजर वैलिड पॉइंट कर रहा है मुझे बट ही सेड अ वैलिड पॉइंट कि दे आर नॉट गोना थ्राइव फॉर लॉन्ग बट फॉर द सोल रीजन कि कब तक आप सेम चीज ही देखोगे कब तक वही होगा बट इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला वो तो है ही जो टिक गया वही इट्स गोइंग टू लास्ट सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट कंटेंट यही है कि आप टाइम टू टाइम अपना कंटेंट लेवल कितना बढ़ा रहे हो अगर आप नहीं बढ़ा रहे हो एक ही लेवल पे हो तो आप अपने आप धीरे से निकल जाओगे लोगों को पता भी नहीं चलेगा ना ही आपको पता चलेगा कब आप पीछे रह गए अगर आप गेम अप करते जा रहे हो अपने हर कंटेंट के साथ तो फिर आप कॉम्पिटिशन में हो वही है सिंपल रूल वेरी वेरी अब इस टाइप के कंटेंट आएंगे चलो जब तक बनेगा तब तक इस टाइप के कंटेंट देखना पड़ेगा या बनाते रहना पड़ेगा जैसा भी होता रहे नो बट आई आल्सो कि अभी क्या हो रहा है कि मेरे बहुत सारे नरेशंस जो है इट इज कमिंग ऑनलाइन हो रही है ना जैसे रिसेंटली बच्चन साहब को एक वीडियो निकली है जिसमें एवरीवन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वाला जो दैट वीडियो हैज कम आउट and that is a very new change I mean this is a very good way to show ki boss can be done so probably because of this jo hum jo karte hain wo hum kaise na kaise kar hi lenge karenge wohi yaar lock kar do apko ghar mein theek hai to solution le aao ki lock kar do lekin hum jo banate hain wo hoga exactly cinema to rahega hi purane tsp wala strategy hai na abhinav ha You can never put artist in a lockdown. मतलब artist को जेल में डाल देते हमेशा। ओ भाई, दिया statement लौंडा। बस, बस ये अभी बन गया है इसका thumbnail line। You cannot put artist in jail. चालू क्यों ना पहना है कि नहीं? क्या क्या? नहीं पहना है। तो ये usually wear bandanas for ThoughtCast। बहुत सही। जैसे क्या देखा? मैं भी Money Heist देख रहा हूँ जैसे अभी। मैं चौथा सीजन स्टार्ट करने वाला हूं मैं चाहूंगा स्पॉइलर ना दो थर्ड तेरे को कैसा लगा यार मुझे थर्ड ठीक लगा मतलब तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा लगा सेकंड अच्छा सेकंड लगा क्या बात हो रही मुझे मुझे कार्तिक
मुझे थर्ड लगा यार लका सा दे पापेल बेला चाओ बेला चाओ हां बेला चाओ बेला इनफैक्ट बहुत आया बोला तो दो कितना बेला चाओ कर रहा हूं मैं पार्ट फोर्थ का ना पहला दो एपिसोड थोड़ा पार्ट फोर बोल नहीं पा रहा क्षितिज थोड़ा बोरिंग लगा था गुटका थूक पहले में बोल दो क्या थैंक यू पार्ट फोर लकासा दा पपेल बोल ले ला पैसा दे पैसा छी यार छी इसको निकाले ग्रुप सर इस जोक के लिए निकाले वो होस्ट हो गए तो वीडियो बंद हो जाए अच्छा हां सॉरी फिर तो मैं डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ अभी डार्क के सीजन 3 का यार उसी साल आने वाला है यस मी टू मैं देख ही नहीं पा रहा भाई यार सर अभी तूने देखी है डार्क हां भाई यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग लगी कि नहीं लगी देखता हूं मुझे माइंड ब्लोन है ना माइंड ब्लोन टाइप का है वो सब मटेरियल अरे ये जर्मन लोग गाड़ी भी अच्छा बनाते हैं और शो भी और ये सबसे अच्छी बात मैंने ये सुनी है डार्क के लिए कि इन लोगों ने तीनों सीजन पहले ही लिख दिया था स्टोरी लाइन और ये तीन सीजन ही इसके हैं चौथा सीजन भी नहीं है इसका यही स्टोरी खत्म है सीजन में तो इसीलिए इतना टाइट और इतना मतलब टू द पॉइंट वो तो यार देख जैसे मनी हाइस्ट के केस में भी था मनी हाइस्ट दो ही सीजन तो थे हाँ मनी हाइस्ट दो ही था तो नेटफ्लिक्स ने अक्वायर करके बोला और बना दो जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ भी हुआ है कि उनको नहीं बनाना है पर अब वो बनवा रहे हैं कि करते चलो सेम ऐसा फ्लीबैक के साथ भी हुआ है भी लगा था कि एक ही सीजन बनाना है फिर सेकंड सीजन बनाने का उसका मन कर गया अब देखो अब थर्ड बनाने का मन रिमेम्बर द लास्ट शॉट जब वो कैमरा उसके पास जाता है तो शी सेज नो और शी स्टार्ट्स वॉकिंग आउट सो प्रोबेबली आई या You're right. Can, जितना ज़्यादा पैसा फेंके और भाई तीन चार और बनाते But very well written यार. For a very well executed. For all guys and for guys to be enjoying a women centric show. I'm not sexist. I enjoyed this also. Marvelous Mrs. Maisel. मेरे को ये बहुत अच्छा लगा. There are some cheeky things you don't enjoy. You start feeling कि मशी हो गया बहुत ये हो गया. अब obviously gossip girls I can't watch and enjoy ना वो मुझसे नहीं होता है. Try doing that. पर वो होता ही नहीं है. You should even try. यार मैं imagine कर रहा हूँ वैसे चिरंजीवी बैठ के gossip girls देख रहा है रात को 3:30 बजे इसी शक्ल के साथ. कुछ बलिदान देने पड़ते हैं जीवन में. धर्माटी का वो कैसा लगा फिल्म यार Guilty. मुझे बहुत अच्छी लगी Guilty. असुर बहुत अच्छा लगा असुर मैंने देखा तो टेक्निकली बहुत वीक था स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त Engaging, exactly. Did you guys like She? I hated it. I haven't watched it yet. एक episode देखा है, सही लग रहा मुझे. Frankly मैं बोलूँ there काफी polarizing है वो पूरा show but I'll tell you what it's there's something about the show that you would want to watch. मैं शायद विजय वर्मा के लिए देख जाऊं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मतलब ऐसा विजय वर्मा के लिए ही देख जाओगे मतलब मैंने भी विजय वर्मा के लिए ही खत्म किया पूरा और special ops special ops महाभारत और रामायण के अलावा बहुत महाभारत रामायण से टाइम मिले तो ना यार अब तो डिज्नी का भी भर भर के काफी आर यू ऑन सीजन 1 एपिसोड 38 बिंज वॉच मार रखा है रामायण इट्स मैड कौन सा एपिसोड चलता है वो नहीं पता There is one more show that I saw it was really thoda sloppy the writing but it was like a tribute to Fargo and all like basically Coen Brothers Afsos Coen Brothers अरे यार नहीं Afsos चालू बहुत अच्छा हुआ था गुलशन थी भैया वाला ना Afsos की ना गाना बहुत ड्रैग बहुत ड्रैग मतलब कांसेप्ट लेवल पे बहुत बढ़िया था बहुत बढ़िया बट बहुत चूतियापा लिखा यार उसको टाइम समझ रहे हो कैसा आ गया है कि हम 2 महीने पहले तक बोल रहे थे कि लोग थिएटर जाना कम करेंगे लोग डिजिटल पे बहुत चीजें देखने वाले हैं एकदम से स्टॉक पड़ा अब कहाँ जाओगे
अब क्या कंप्लेंट करोगे? वो तो है नहीं, इमेजिन अगर ये नहीं होता हमारे पास तो क्या होता? तो वही एग्जैक्टली, इंटरनेट अभी बंद कर दे अगर मोदी जी, क्या होगा दुनिया बताओ? इंडिया में क्या वॉर हो जाएगा भाई, सिविल वॉर, कश्मीर के निकल जाएंगे, रोड पे लोग निकल जाएंगे, एवरीवन विल बी मार्च डाउन अगेन सोशल डिस्टेंसिंग इंटरनेट पे। सचिन को घर से निकाल के बांकड़े ले जाएंगे खेल। अरे ड्रोन से वो कर रहे हैं भाई पेट्रोलिंग, ड्रोन लेके बहन चो उड़ा रहे हैं हर जगह। सही बता। हाँ सही, मैं पत्थर मारा तो ड्रोन पे से फेंक के, तुम जैसे लौंडे होते ड्रोन में पत्थर मारते हैं, पतंग दिखी आज लूट ले। ड्रोन थिंग इज हैपनिंग इन एर्नाकुलम। मेरे को एक मेरा दोस्त बोलता है कि यार ये पता है ये ड्रोन क्यों उड़ रहे हैं तेरे को, सब कुछ नहीं है, लॉकडाउन वॉकडाउन कोई वायरस नहीं फैला है, नोलन को अपनी फिल्म शूट करनी है बॉम्बे में। अब यही हो रहा है। अबे यार टेनेंट आने वाला था यार, आई वाज एक्साइटेड। मेरे दिमाग में टेनेंट अब तक मूव नहीं हुआ, पता है तोड़फोड़ कंस्पिरेसी थ्योरी आया था, टेनेंट अब तक मूव नहीं हुआ, टेनेंट अपनी डेट पे टिके हैं वो लोग कि हम 27 जुलाई तक ले आएंगे। अच्छा क्या डेट है उसकी? 27 जुलाई। अच्छा 27 जुलाई, हां तब तक तो आ ही जाएगी, 27 जुलाई तक तो हो जाना चाहिए होपफुली इंशाल्लाह। दादा कश्यप ने रिकमेंड किया था किंगडम, वो देखा मैं एक एपिसोड, बहुत सही है। अच्छा किंगडम, हाँ भी है तो वो खत्म करूंगा पहले, उसके बाद देखूंगा फ्ली बैक। मेरे को अगला ये शुरू करना है, ओजार्क शुरू करना है, ये भी मैंने नहीं देखा। हाँ मैं सुना ओजार्क अच्छा शो है, ओजार्क थोड़ा सही है, जैसे बैटमैन है ना वो सही होते हैं वो, और आउटसाइडर भी है, स्टीफन किंग की नॉवल पे बना हुआ है, दिस अनदर हॉटस्टार शो। किसी ने कोई हिंदी मटेरियल देखा क्या अब तक अपना? मैंने देखा अच्छा लायन किंग हिंदी में देखा। अच्छा पंचायत, मैं वेट कर रहा था लायन किंग का हिंदी में ताकि मैं देख सकूं कि आर्यन का क्या क्या आर्यन खान, आर्यन खान खान की कैसी आवाज है उसमें, ठीक ही है। हाँ पंचायत, मतलब टीवीएफ में नॉट जस्ट बिकॉज आई मीन टीवीएफ, बट ऐसे इन जनरल मेरे को बहुत म्यूट कर दो अभिनव को दो मिनट के लिए। नहीं नहीं क्यों यार, मतलब पंचायत के बारे में बात कर लेंगे। नहीं देख फील गुड शो है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत वेल एग्जीक्यूटेड शो है, बहुत मतलब टीवीएफ का सबसे बड़ा लेवल का शो। छोटे छोटे न्यूएंसेस मेरे को बहुत अच्छे लगे, मतलब मैं गाँव में बहुत दिन तक रहा हूँ तो उन्होंने छोटे छोटे डिटेल्स जो पकड़े हैं ना, लेकिन जैसे कि बहुत प्यारा मेरे को एक सीन लगा जो पेड़ से ऐसे उससे काटा है, पेड़ से कचिया बना हुआ है ऊपर, हम लोग वही चूज करते हैं। गांव वालों के लिए तो गोल्ड है, गांव में जो रहे हैं या उस बिहार नॉर्थ बेल्ट में जो रहे हैं उनके लिए वो अच्छा शो है, लेकिन गांव वाले अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि गांव में वो लोग रह रहे हैं, जो गांव से निकल के दिल्ली में रह रहे हैं, जो रोमांटिसाइज करते हैं गांव को, उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर क्रिटिकली थोड़ा देखोगे तो और थोड़ा डीप कर सकते हैं यार, ऊपर ऊपर से निकल गया, मतलब थोड़ा और लेयर्स डाल सकते थे शो में, पर काफी परफेक्ट तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। सही है बिल्कुल, कर तो हर चीज कर सकते हैं। नहीं नहीं परफेक्ट तुम किसी चीज को कैसे कह दोगे? नहीं मतलब नथिंग, देयर इज ऑलवेज समथिंग व्हिच टीवीएफ इज नोन फॉर नॉस्टैल्जिया, तो मुझे मतलब अब मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूं कि अब थोड़ा वो लोग अलग करें या थोड़ा डीप खेलें, है ना, इसीलिए। Frankly, I found the show, it's a good show and all, everything is great, it's got our favorite artists and everything and whatnot. Everything is good about the show, but for me, it's slow. अगर क्रिटिकली बताऊं, अगर एकदम वैसा बताऊं तो फर्स्ट एपिसोड जो है वो ठीक है, सेकंड एपिसोड उससे थोड़ा बेटर है, थर्ड एपिसोड शानदार है, मतलब थर्ड एपिसोड इस चक्के वाला से नहीं देखा है, चक्के वाला कुर्सी से स्टार्ट होकर जो एंड में जाते हैं चंद्रमन तक, वो एकदम वहां तक तो एकदम बहुत सही है। फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट तो ठीक ठीक है, सेकंड उससे थोड़ा बेटर है, थर्ड से बहुत अच्छा है। और ये कल मैं वो सब स्टोरी डाले तो मैं गाना सुना उसका बीजीएम डाके एक दो, तो उसमें क्या नोटिस किया, मैंने भी स्टोरी डाला था भाई, तो हाँ यार उसका सारा गजब यार, मस्त भाई, मस्त दिमाग लगा है, सही लगा मुझे, बहुत सही। हाँ उनको भी अच्छा है, कोई तो पकड़ा ये बात, तुम्हारे
ये डाले होंगे या तुमको अलग से भाई पकड़ लेंगे मुझे पता है तो सब दोस्तों को एक भेंट अचानक क्रैक किया यार अचानक स्ट्राइक किया तुम क्या उसका प्लेलिस्ट देख रहा था क्या हां नहीं उसका पूरा गाना मैं स्क्रॉल कर रहा था तो देखते अरे भाई जो नंगा नाच इस रात की सुबह नहीं लो पुरुष बोले ओ फक सही और बताओ गाइस PUBG खेल रहा है कोई क्वारंटाइन में अब वापस चालू कर दिया खेलना मैं वो खुद वापस चालू कर दिया भाई ऐड करता हूँ सर किल्स द लॉर्ड भैया अभिनव तो एक नंबर मैं हूँ पूरी दुल्हन यार ऐड करो मेरे को अभिनव तो मीटिंग छोड़ के भाई ये डालना मत वरना बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए बोला सुना नहीं मैं क्या बोला ये सही में अच्छा वो नहीं सुना छोड़ अरे मीटिंग के टाइम पे हम लोग पबजी खेलते थे हाँ इग्नोर ये डालना मत ये वाला कट कर देना कैसे होगा भैया अब तो क्या लाइव स्ट्रीम थोड़ा ना करेगा एडिट तो करेगा ना तुम अरे म्यूट कर दे बस इंट्रो आउटर लगाऊंगा और कुछ नहीं अरे कुछ नहीं होगा भाई अरे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी कर लो जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे यार कल तो मैं था नहीं तुम ही बताओ लॉकडाउन के बाद अभी लॉकडाउन खत्म हो गया हमने इतना टाइम और एनर्जी दिया बाहर जाने का मन ही नहीं किया तो यार फिर तो दिक्कत है तुम्हारे साथ अच्छा मेरे को नहीं लग रहा है मेरे को लग रहा है सिर्फ हाँ मुझे लगता है कि खत्म खत्म होगा ये डिस्कस किए थे कल तुम मुझे लगता है थिएटर में थोड़ी फटेगी स्टार्टिंग सबकी फटेगी हाँ एक महीना बहुत रिस्क लेने वाले हैं कोई थिएटर में कहीं जाने से पहले सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा टूरिज्म इंडस्ट्री जो बाहर बाहर घूमने वाने का प्लान था जिसका या फिर जो इधर उधर जाने वाले थे सब अभी एटलीस्ट एक साल तक तो कोई इधर नहीं आएगा सब जहाँ पे है वही रहेंगे तो यार थोड़ा अब्रप्ट था पता है बहुत बार नेटवर्क भी गया होगा वो भी पता है पहली कोशिश थी उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू DC क्योंकि हम ट्राई करेंगे ऐसे और वीडियोज़ बनाते रहने का थैंक यू